नमस्कार, आप देख रहे हैं NIN का स्पेशल प्रोग्राम 925 शो की शुरुआत करते हैं दिन की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली जमानत, लेकिन नहीं कर पाएंगे चुनावी प्रचार प्रसार। लालू यादव की जमानत पर बोले प्रशांत भूषण, कहा बिहार में भाजपा और JDU की हार जरूरी। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 70,496 नए मामले आए सामने, तो वहीं 964 मरीजों की हुई मौत। बिहार में बाढ़ से प्रभावित हुआ देश, बढ़ रही महंगाई, हरी सब्जियां और दाल हुए महंगे। बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, 9 से 11 अक्टूबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। 55 दिनों में 5500 से अधिक गिरा सोने का दाम, त्योहारों से पहले सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय अभी। हर इंसान पर खुला बाजार, सेंसेक्स ने पार किया 40,000 का आंकड़ा, तो वहीं निफ्टी भी 11,829.70 के स्तर पर खुला। कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं हुआ कोई फेरबदल, दिल्ली में 17वें दिन पेट्रोल की कीमत हुई 81.06 रुपये प्रति लीटर। रेल में यात्रा करने वाले लोगों के लिए आई अच्छी खबर, दिल्ली से चलेंगे 17 जोड़ी विशेष ट्रेन। आज सुबह रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके सरकारी घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पासवान की मौत पर हर तरफ शोक, लालू बोले रामविलास भाई आप जल्दी चले गए, गिरिराज बोले बहुत दुखदायी समय है। भीमा कोरेगांव केस में एक और गिरफ्तारी, NIA ने 83 साल के फादर स्टैन स्वामी को किया अरेस्ट। बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की पार्टी, हाईकोर्ट से मांगी इजाजत। RLD की लोकतंत्र बचाओ महापंचायत में भीड़ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने किया बड़ा दावा, कहा 2022 के विधानसभा चुनावों में बनेंगे BJP का चेहरा। TRP फर्जीवाड़ा पर बोले मुंबई पुलिस के कमिश्नर, कहा दर्शकों ने बताया उनको मिले थे चैनल देखने के पैसे। बिहार चुनाव पर सामने आई बड़ी अपडेट, 22 नेताओं संग उद्धव और आदित्य ठाकरे करेंगे चुनाव प्रचार। जिस सीट से चुनाव लड़ने की सोच रहे थे गुप्तेश्वर पांडे, उस सीट से पुलिस के पूर्व सिपाही परशुराम चतुर्वेदी ने मारी बाजी, मिला टिकट। हाथरस कांड में मिले संकेत, PFI और भीम आर्मी कनेक्शन से लेकर खनन माफिया से भी जुड़ रहे हैं तार। गाजियाबाद में सुबह के सैर पर निकले भाजपा विधायक के मामा की बदमाशों ने की हत्या, गोलियों से भूनकर बेरहमी से की हत्या। नोएडा के दादी इलाके में नाबालिग को किया अगवा फिर किया गैंगरेप, घटना के बाद पीड़िता की बिगड़ी तबीयत। UP के औरैया में खरीदारी करने जा रहे एक किराना व्यापारी को बाइक सवारों ने तमंचे के बल पर लूटा, 1,48,000 रुपए की लूट, वारदात के बाद धमकी देकर भाग गया आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में वेक ऑफ अपराधियों ने खाकी को बनाया निशाना, थाने के चौकीदार की गोली मारकर की हत्या। बिहार से आई एक और बड़ी खबर, गोपालगंज में युवक ने अपनी माँ और भाभी सहित 6 लोगों को घोपा चाकू, बाद में खुद के भी घोपा चाकू, हुई मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके में रेलवे कर्मचारी की 3 साल की बेटी से हुई दरिंदगी, पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी। आज के नॉनस्टॉप समय बस इतना ही, तब तक के लिए NIN पर खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज आ रही है, आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज के साथ। मेरा नाम पवन है और आप NIN के स्पेशल शो नॉनस्टॉप 25 देख रहे थे शिवरात्रि।